बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, क्लास 11 के लिए हमने कल देखा था क्रॉस प्रोडक्ट और एंड आउट प्रोडक्ट। कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज वो सॉल्व करते हैं। देखो हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, और हमने कल रूल्स भी लिखे थे कुछ, उनको फॉलो करवाना है और उसको सॉल्व करवाना है। ठीक है, अब देखो रूल फिर दोबारा लिखना चाहूँगा ताकि हर किसी बच्चे को याद रह जाए। I क्रॉस I रिजल्ट 0, J क्रॉस J रिजल्ट 0, K क्रॉस K ऑलवेज रिजल्ट 0। तीन फॉर्मूले तो ये थे हमारे पास। एक फॉर्मूला क्या था, I क्रॉस J रिजल्ट आया था K, J क्रॉस K रिजल्ट आया था हमारे पास I, K क्रॉस I रिजल्ट आया था हमारे पास J। ठीक है, तीन इनके अपोजिट थे, वो क्या था, J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस के, K क्रॉस J रिजल्ट इज माइनस I, I क्रॉस K रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस J। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 9 फॉर्मूले हैं क्रॉस के लिए और 9 क्या है हमारे पास डॉट के लिए, इनको अप्लाई करवाना है। जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं क्रॉस और डॉट के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने मान लिया कोई सी वेक्टर है, ठीक है, और जो सी वेक्टर है उसकी मल्टीप्लिकेशन दे रखी है 2i 3j और 10k। कोई नेक्स्ट वेक्टर जिसका नाम क्या है डी वेक्टर है, उसको सॉल्व करवाना है 6i 7j 9k के साथ। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूले हैं और यहाँ पर अप्लाई करने हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास कोई ई वेक्टर भी है। ठीक है, वो ई वेक्टर जो दे रखा है इसने नाम दे इसका 10i 10j और 10k। ठीक है, तीन इक्वेशन दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि ये पूछा कि निकालना क्या है, सी क्रॉस डी क्रॉस ई, अब ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसने कहा फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है सी क्रॉस डी क्रॉस ई, तो इसने कहा है पहले जो ब्रैकेट देखो, पहले ब्रैकेट क्या है डी और ई को, तो पहले डी और ई को सोल्व करो, जो रिजल्ट बचे हैं वो सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो हम लिख सकते हैं पहले क्या, डी क्रॉस ई, डी कितना है ये वैल्यू 6i 7j 9k। ठीक है, डॉट ऑफ ई कितना है, क्रॉस ऑफ ई 10i 10j 10k। ठीक है, अब इसको सोल्व करवाना है बाय यूजिंग ये बहुत सारे एग्जांपल फॉर्मूलेज हैं, क्रॉस ऑफ डी क्रॉस ई। ठीक है, सेम फॉर्मूले हैं, आसान है सॉल्व करो। देखो 6 × 10 कितना होगा 60, आई क्रॉस जे, ठीक है, प्लस 6 × 10 अगेन 60, आई क्रॉस जे, और यहां पर सॉरी आई क्रॉस आई है। ठीक है, I क्रॉस J, नेक्स्ट हमारे पास क्या प्लस 6 × 10 अगेन 60, I क्रॉस K, ठीक है, प्लस 7 × 10 70, J क्रॉस I, प्लस 7 × 10 70, J क्रॉस J, प्लस 70 J क्रॉस K, ठीक है, प्लस 9 × 10 90, K क्रॉस I, प्लस 90, K क्रॉस J, और प्लस 90, K क्रॉस K। ठीक है, तो बेटा कल हमने ये ऐसे क्वेश्चन किए थे जो आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो
आई क्रॉस के सिमिलरली यहाँ पर देखो करना क्या है, पहले फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तीनों के साथ करवा दिया मल्टीप्लाई। सेकंड वेक्टर को पकड़ो, तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तीनों के साथ मल्टीप्लाई। फिर थर्ड वेक्टर को लो, तीनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बड़े आसान से रिजल्ट बन सकते हैं। अब इनको सोल्व करवा देखो, आई क्रॉस आई हमने रिजल्ट देखा जीरो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट लिखो डी क्रॉस ई, जीरो हो गया पहला रिजल्ट, प्लस आई क्रॉस जे, आई यारा जे यारा रिजल्ट क्या है के, तो यहाँ पे ले सकते हैं 60, आई क्रॉस जे में क्या लिखेंगे के, प्लस आई क्रॉस के। अब देखा जाए तो हमारे पास क्या है, आई किसके साथ है, के के साथ, आई के में क्या लगेगा माइनस का जे, तो माइनस का 60, माइनस का 60 जे, ठीक है। नेक्स्ट क्या 70 में क्या जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई हमारे पास क्या बनेगा माइनस का के, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 70 माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये तीनों सोल्व हो चुके हैं, ये आ गया जे क्रॉस आई होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा माइनस का के, फिर 70 जे क्रॉस जे रिजल्ट क्या आ गया जीरो, प्लस जे क्रॉस के जो कि देखा जाए तो जे क्रॉस के क्या है आई, तो 70 आई प्लस के क्रॉस आई प्लस का जे 90 जे के साथ, के क्रॉस जे माइनस का आई 90 माइनस आई, और के क्रॉस के रिजल्ट जीरो, ठीक है। तो हम इनको सोल्व करवा सकते हैं, देखो तो D क्रॉस E 60 के माइनस 60 जे माइनस 70 के, ठीक है, प्लस 70 आई 90 जे माइनस 90 आई, ये हमारे पास का एक तरह से रिजल्ट। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, डी क्रॉस ई पहले आई के वेक्टर लिख लो, फिर जे और फिर के। अब आई लिखो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे 70, यहाँ पे आई लिखना है 90, तो 90 70 माइनस 20, ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब जे वाले देखो, जे कितना है यहाँ पे 60, यहाँ पर जी कितना है 90, तो 60 90 प्लस 30 जी। अब के देखो यहाँ पे जे भी सोल्व हो गया, अब के देखो के यहाँ पे 60 यहाँ पे 70 है, तो माइनस का 10, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर डी क्रॉस ई, ठीक है। अब जो डी क्रॉस ई आया है ये रिजल्ट, ये किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, डी क्रॉस ई या डी क्रॉस ई सी के साथ। अब ये सी वेक्टर है और ये डी क्रॉस ई, ये दोनों कैसे सोल्व करवाओ, तो रिजल्ट क्या बचेगा देखो, सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ले सकते हैं सी क्रॉस डी क्रॉस ई। सी कितना ये वाला वेक्टर 2i 3j 10k, क्रॉस में क्या है ये वाला रिजल्ट माइनस 20i 30j प्लस में माइनस 10k, ठीक है। सोल्व करवा सकते हैं आराम से, बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करना है, i क्रॉस i का j के साथ, j k के साथ, सब वेक्टर को एजिटिव अप्लाई करना है और आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 40 रिजल्ट i क्रॉस j, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 30 60 i क्रॉस j, 2 मल्टीप्लाई
10, it means minus 20, I cross K, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, J 3, 20, minus 60, रिजल्ट क्या बचेगा, J cross I, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 60 के साथ 3, 90, J cross J, 10 के साथ और करवाओ मल्टीप्लाई, 30 नेगेटिव J क्रॉस K, ठीक है। अब जो हमारे पास J के रिजल्ट आ चुके हैं I के साथ, J के साथ और K के साथ, अब नेक्स्ट K के साथ एज इट इज निकाल सकते हैं, वो क्या है, K का रिजल्ट I के साथ, तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस 200, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, K क्रॉस I। अब K का J के साथ क्या बचेगा, 300 K क्रॉस J, अब K का K के साथ माइनस 100 K क्रॉस K। बात आई बेटा समझ, हमने तीन वेक्टर लिए हैं, तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, जो रिजल्ट आया हुआ I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ आराम से सॉल्व करवा सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बचेगा, देखो I क्रॉस J रिजल्ट की ऑलवेज K, क्योंकि I क्रॉस J हमारे पास कहाँ है, फर्स्ट के साथ ही हमारे पास क्या, I क्रॉस J जो रिजल्ट आया K, तो माइनस 40 K I क्रॉस J, सॉरी I क्रॉस I है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बचेगा, जीरो, रिजल्ट जीरो प्लस 60 I क्रॉस J, तो रिजल्ट क्या बचेगा, K 20, J I क्रॉस K, अब I क्रॉस K हमारे पास क्या है, माइनस का J, तो माइनस माइनस प्लस 20 J, ठीक है। J क्रॉस I, अब J क्रॉस I हमारे पास क्या है, माइनस का K, तो माइनस माइनस प्लस 60 K, J क्रॉस J रिजल्ट जीरो, माइनस 30, J क्रॉस K प्लस का I, तो माइनस 30 आई, ठीक है। माइनस का 200, K क्रॉस I प्लस का J, तो J रिजल्ट 300, K क्रॉस J माइनस का I, तो माइनस 300 आई, K क्रॉस K रिजल्ट जीरो, ठीक है। जो ये रिजल्ट आया हुआ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर लिख लो, सिक्सटी के, ट्वेंटी जे, सिक्सटी के माइनस 30 आई, 200 जे माइनस का 300 आई, ठीक है। अब इसको सोल्व करवाओगे तो क्या होगा रिजल्ट, पहले आई फैक्टर लिखो, फिर जे और फिर के, आई यहाँ पर कितना है 300 और यहाँ पर 30, 330, इट मीन्स 330 आई हो गया, ठीक है। बेस सेम पावर है, वो तो रिजल्ट है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, बेस क्या नाम है, साइन सेम है, ठीक है। जे का जे के साथ 20 यहाँ पे है, 200 यहाँ पर है, तो माइनस का 180 जी, के कितना 60 प्लस 60 120 के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, चाहो तो यहाँ से इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से क्या 30 से डिवाइड कर लो, सारे सोल्व हो जाएंगे, कितना हो गया रिजल्ट, माइनस 11 आई 30 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। 30 से डिवाइड करोगे माइनस का 6 जे, और 30 से डिवाइड करोगे 4 के, अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो, रिजल्ट क्या बचेगा, 11 आई प्लस 6 जे नेगेटिव 4 के, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर बेटा। तो ऐसे हम बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हम ऐसे जो क्वेश्चन है सोल्व करने में बड़े आसान है,
नेक्स्ट देखो एक बार, एक छोटा सा क्वेश्चन आसान सा देखो, ये कह रहा है सी क्रॉस ई क्रॉस ए वेक्टर। अब कहा है इसमें सी का ए के साथ और साथ में ए के साथ मल्टीप्लाई निकालो, ये करना है फाइंड आउट। जबकि इसने सी जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है जीरो आई जीरो जे प्लस के और क्या कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पर वन। इसने कहा है जो ई वेक्टर है वो है टेन आई टेन जे टेन के, जो ए वेक्टर है वो है आई जे और के, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर कितना तीनों का वन वन, सोल्व करवाना है। अब देखो सी क्रॉस ई है तो पहले इसको सोल्व करवाओ, सी क्रॉस ई सी की वैल्यू क्या है जीरो आई जीरो जे के क्रॉस ऑफ ई, ई कितना है टेन आई टेन जे और टेन के, ठीक है। पहले इसको सोल्व करो, जीरो का प्रोडक्ट टेन के साथ जीरो रिजल्ट हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जीरो के साथ टेन के साथ अगेन जीरो और अगेन जीरो प्लस जीरो नेक्स्ट अगेन जीरो अगेन जीरो अगेन जीरो प्लस के टाइम के साथ कितना हो जाएगा टेन के क्रॉस आई प्लस टेन के क्रॉस जे और प्लस टेन के क्रॉस के, ठीक है। जब दोनों को सोल्व करवाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या है टेन के क्रॉस आई, जो कि हमारे पास रिजल्ट देगा जे टेन के क्रॉस जे माइनस आई के क्रॉस के रिजल्ट की हो जीरो। तो बेटा ये हमारे पास रिजल्ट क्या है सी क्रॉस ई के लिए, ठीक है। जब इसमें देखा जाए तो के हमारे पास क्या है जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। तो के तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कॉम्बिनेशन जीरो के साथ, तो ये आ गया सी क्रॉस ई। अब सी क्रॉस ई में ए के साथ मल्टीप्लाई और करवा दो आंसर आ जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है सी क्रॉस ई का क्या आया है माइनस का टेन आई प्लस का टेन जे और जीरो हमारे पास क्या है के के साथ। यहाँ पे चाहो तो के भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है इसे, ठीक है। और जबकि ए हमारे पास क्या है ये वाला, अब इन दोनों को सोल्व करवाना है तो क्या रिजल्ट हो जाएगा सी क्रॉस ई क्रॉस ऑफ ए। तो सी क्रॉस ई कितना माइनस का टेन आई प्लस का टेन जे प्लस जीरो के और क्रॉस ऑफ ए, ए कितना हमारे पास आई जे और के, ठीक है। आराम से सोल्व कर सकते हैं, टेन की मल्टीप्लाई आई के साथ माइनस का टेन आई क्रॉस आई बचेगा रिजल्ट देगा जीरो, टेन की मल्टीप्लाई जे के साथ तो माइनस का टेन आई क्रॉस जे रिजल्ट क्या देगा के, आई क्रॉस के जबकि आई क्रॉस के हमारे पास क्या है रिजल्ट नेगेटिव जे, तो प्लस का जे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई क्या माइनस का के तो रिजल्ट क्या होगा माइनस का टेन के, जे क्रॉस जे जीरो और जे क्रॉस के अभी देखा जाए तो जे साथ में क्या है के जे क्रॉस के आएगा प्लस का आई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जीरो के साथ है तो सब क्वांटिटी इज जीरो, ठीक है। अब इनको सोल्व करवा कर आगे बेटा लिख सकते हैं रिजल्ट आराम से, देखो कैसे सी क्रॉस ई क्रॉस ए सब जीरो क्वांटिटी की हमारे पास क्या माइनस का टेन के
प्लस का टेन जे माइनस का टेन के प्लस का टेन आई, जिसको सोल्व करें क्या हो जाएगा, प्लस का टेन आई प्लस का टेन जे और के हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 के। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चाहो तो 10 से डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा आई जे और नेगेटिव 2 के। तो बेटा ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। यदि कोई समस्या आती है तो बेटा डेफिनेटली यू कैन ईजीली आस्क विद मी। तो बेटा वो यहाँ तक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।